हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोरोना के समय में हमें खुशखबरी दी कि भैया हम सितंबर में तुम्हारे लिए पेपर लेकर के आएंगे, पेपर दे लेना और सरकारी नौकरी पा लो। तो PCS एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे समय में जब सब कुछ अनसर्टन है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सर अभी तो सितंबर का एग्जाम भी अनसर्टेन है, पर फिर भी हमें सर्टेनिटी को लेकर के चलना है कि पेपर होगा। तो PCS का जो आपको डेट है, आप सब जानते हैं सितंबर का आपको डेट बताया है कि भाई सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है, सितंबर 2020 आपको बोल दिया कि पेपर लेंगे। अब देखो, तैयारी हमें जब भी करनी होती है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके पास्ट ईयर जो पेपर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको उससे एग्जाम के लेवल का पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस रेंज तक आपसे सवाल पूछ सकता है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को जो है वो मॉनिटर कर सकते हो। अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स में, अब देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप PDFs तो ऑलरेडी इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 2018 का PCS का पेपर आपको मिल जाएगा, 2015 का मिल जाएगा, 14 का मिल जाएगा और 12 का मिल जाएगा, ठीक है। साथ में इनके आंसर कीज भी लगे हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है और आंसर कीज है। इसके अलावा हम इन पेपर्स को डिस्कस भी करेंगे। हमने डिस्कशन का जो फॉर्म बनाया उसमें ये रखा है कि हमने सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 का जो पेपर है, इसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों से एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस उनके मिल जाएंगे, ठीक है। आज अब जो ये पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप देखोगे कि 6 सवाल जो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से आए थे। अगर आप इन टोटालिटी देखो, टोटालिटी में अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन आपके इंडियन हिस्ट्री से, और मैं इंडियन हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि इसमें पंजाब की ऐसी कोई रेलिवेंस नहीं थी कि स्पेशली पंजाब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हो। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ एंशियंट इंडियन के जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फटाफट आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। वीडियोस में सिर्फ 5-6 या 10 क्वेश्चन डिस्कस करने का रीजन ये है ताकि वीडियोस आपके लिए शॉर्ट रहे और आप उनको इजीली समझ सको। विद एक्सप्लेनेशन हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को देखने के बाद उसको खुद से पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमको तैयारी करनी है कि क्वेश्चन हमारे हो जाए। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, ओके। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करें, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाता है आपका हरप्पन सिविलाइजेशन, या जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हो, ठीक है। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस टॉपिक को आपने करके ही जाना है क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो फैक्चुअल से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से आपने कवर करके जाना है, बिल्कुल भी इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सवाल है, सीधा सीधा सवाल है कि जो हरप्पा, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि सील हुआ करती थी वहां पर, ठीक है। उस सील के अलग अलग पर्पज हुआ करते थे, उसको ट्रेड के लिए भी यूज किया जाता था, उसको ताबीज पहनाकर गले में भी पहना जाता था, ठीक है, उसको कॉम्युनिकेशन के लिए भी यूज किया जाता था। तो सीधा सवाल यह पूछा गया है कि जो ये सील होती थी ये किस मटीरियल की बनी हुई होती थी। सिंपल सा फैक्चुअल सा सवाल है, या तो आता है या नहीं आता है। ऑप्शन ए कहता है स्टेटाइट, बी कहता है रेड सैंडस्टोन, सी कहता है टेराकोटा और डी कहता है आइवरी। चारों तरह के पत्थर हैं, एक तरह के पत्थर हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो है सील। अब यहां पर वर्ड जो ध्यान देने वाला बच्चों है वो है मोस्टली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मोस्टली यूज चारों भी होते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सील किसकी बनती थी, सबसे ज्यादा कौन सा मटीरियल यूज होता था, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा, अब देखो आप घर पे कभी कभी स्नैक्स भी बनाते हो, लेकिन रोज तो जो भी आप खाते हो रोटी या चावल, सबसे ज्यादा तो रोटी या चावल खाते हो ना, जो भी आपका स्टेपल डाइट है, तो वही वाला यहाँ पर सिस्टम होता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हम और समझने की कोशिश करें तो आप एक चीज जानोगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सील्स मिली है, हरप्पन जो भी साइट्स है, जो भी वहां से उन्होंने
एक्सकवेशन किए, बहुत अलग अलग तरह की उनको सील्स मिली हैं, ठीक है। अब ये सील्स जो हैं ज्यादातर स्क्वायर शेप की हैं। अभी यहां पर आपसे मटेरियल पूछा था, अब सिमिलरली इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि दिस इन द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, हरप्पन सील्स वर मोस्टली ऑफ विच शेप, ठीक है, आपसे शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता था, जैसे अभी आपसे मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया वैसे ही आपसे शेप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देता स्क्वायर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, तो आपका आंसर क्या हो जाता, स्क्वायर शेप का था भैया, ज्यादातर मोस्टली वर्ड यहां पर यूज है, ठीक है। तो इस तरह से एक शेप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ज्यादातर स्क्वायर शेप में होता था, लेकिन उसके अलावा ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर शेप में भी ये सील्स आपको मिलती थी। सिमिलरली ज्यादातर जो सील्स थी वो कौन से पत्थर की बनी हुई थी, स्टेटाइट की। अब जो आपका स्टेटाइट जो स्टोन है, इट इज अ सॉफ्ट स्टोन, एक सॉफ्ट स्टोन इसको माना जाता है, और ये रिवर बेड्स यहां जहां पर आपकी नदियां बहती हैं, जहां पर रिवर बेड्स होते हैं वहां पर ये आपको मिलता है, ये मोस्ट कॉमन मटेरियल था। हालांकि इसके अलावा और भी पत्थरों का यूज किया जाता था, जैसे एगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस, इन सब स्टोन्स का यूज किया जाता था, पर मेनली सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता था, स्टेटाइट। और कई जगहों पर गोल्ड और आइवरी की सील्स भी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगेन क्या था कि मोस्टली सबसे ज्यादा स्टेटाइट यूज होता था। ओके, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जा सकता है आपसे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि बच्चों ये बताओ कि क्या हरप्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड और आइवरी की स्टील मिलती थी, सील मिलती थी। आप कह दोगे हाँ मिलती थी, स्टेटमेंट, तो आप उस स्टेटमेंट को क्या कह दोगे, करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछ लेगा कि क्या हरप्पन सिविलाइजेशन की सारी सील्स स्क्वायर शेप की होती थी, तो आप कह दोगे नो, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि ज्यादातर स्क्वायर शेप की होती थी, लेकिन सर्कुलर और ट्रायंगुलर शेप की भी होती थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सील्स थी इनका यूज क्या था, यूज ऑफ सील, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर वन में क्या देगा कि ये जो सील थी इनको यूज किया जाता था फॉर ट्रेड, टू में क्या देगा इसको यूज किया जाता था फॉर करेंसी, थर्ड स्टेटमेंट क्या देगा इट वॉज यूज एज अ एमोल्यूमेंट, ताबीज। तो बताओ इसमें से कौन सा यूज जो है वो सही है, तो आप कह दोगे ट्रेड के लिए भी यूज होती थी भैया, करेंसी के लिए भी यूज होती थी, और एमोल्यूमेंट के लिए भी ये जो है पर्टिकुलर सील्स जो है यूज हुआ करती थी। ऑलराइट, तो ये तीनों चीजें जो है आपकी इसमें आ जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब द लीडर ऑफ जैन गना वॉज नोन एज, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के दो और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा, वो है आपके जिनमें से सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन दो टॉपिक्स में से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये दो टॉपिक्स भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो द लीडर ऑफ जैन गना वॉज नोन एज, जो जैन गण होता था, जैसे मोनेस्ट्रीज होती हैं बुद्धिज्म में, मोनेस्ट्रीज होती थी जैन में, उसको गण कहते थे, संघ कहते थे बुद्धिज्म में, और यहां पर उसको क्या कहा जाता था, गना। तो जो गना का जो हेड होगा, जो लीडर होगा, उसको यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है, उसको क्या कहा जाता था, गणपति, गणधार, गणराज या गणक। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन या तो आता है या नहीं आता है, तुक्का लगा के ये नहीं हो सकता, ठीक है। सीधा सीधा एबीसीडी टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट दे दे कि भाई गणपति वॉज नोन एज द लीडर ऑफ जैन गना, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके साथ साथ जैनिज्म धर्म से रिलेटेड दो तीन स्टेटमेंट और दे देंगे, तो इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी है ना, जो आपके माइंड में ये मिथ क्रिएट कर रहा है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको पूछने का तरीका बदला जा सकता है। अब मैं इसको ऐसे डायरेक्टली ना पूछने की बजाय आपसे स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में पूछ लूं, तो वो क्वेश्चन भी चेंज हो गया और मैंने आपसे पास्ट ईयर का भी पूछ लिया। और चलो पीसीएस में नहीं पूछा, अगर ये पीसीएस में आया, अगर जो बच्चे यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी पीसीएस का जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी पेपर इंपॉर्टेंट है, यूपी पीएससी का, ठीक है। इस तरह के सवाल दूसरे किसी स्टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका, यहां पर आपका आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
गणाधार, ठीक है, जो जैन गणाज होते थे उनके लीडर को क्या बोला जाता था, गणाधार। और गणाधार जो है देवर नोन एज द चीफ डिसिपल्स ऑफ महावीरा, ठीक है। जब महावीरा को निर्वाणा मिला उसके बाद जो उन्होंने जिनको अपना स्टार्टिंग में सेरेमन दिया वो भी कौन थे, 12 गणाधार थे, ठीक है। तो गणाधारा कौन होते थे, चीफ डिसिपल्स ऑफ महावीरा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था कि लीडर ऑफ जैन गणा को क्या कहते थे, अब आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में दूसरे तरह से क्वेश्चन अगर मैं यहां पर फॉर्म करने की कोशिश करूं तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ लेंगे, चीफ डिसिपल्स ऑफ महावीरा वर कॉल्ड और वर नोन एज, ऑप्शंस सेम रहेंगे। अगर ऑप्शंस हम सेम रखें और क्वेश्चन हम ये वाला पूछ ले, क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये लो क्वेश्चन अब आपके सामने पूरा आ गया, चीफ डिसिपल्स ऑफ महावीरा वर नोन एज, अगर पूरा पूरा सवाल ये पूछ ले तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा बताइए, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसी तरह से आपको अपने जो है क्वेश्चंस को आंसर करना है, ऑलराइट, आर यू गेटिंग इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है, जल्दी से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग्ड टू विच कंट्री, कौन से देश से आया था। देखो इस तरह के सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, आपसे अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो ट्रैवलर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रैवलर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ऐसा होता है कुछ ट्रैवलर्स ने कहीं इंपॉर्टेंट रूलर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं, किताबें लिखी होती हैं, तो वो सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो तैयार रहना है। इसका एक पूरा चार्ट आता है कि कौन सा जो है आपका एक्सप्लोरर कौन से देश से आया, कौन सी नेशनैलिटी का था, कौन से रूलर के टाइम पे आया, कौन सी किताबें लिखी, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो अगर आप देखो इब्न बतूता यहां पर सीधा सीधा पूछा हुआ है, फालतू की बाकी बकवासे हैं, सीधा सवाल में बस ये जानना चाहता है कि इब्न बतूता कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था, और इजिप्ट से, ग्रीस से, ईरान से या मोरक्को से। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर, अब ये जो चार्ट है इसमें आपका आंसर यहां पर छुपा हुआ है, इब्न बतूता जो है आपका मोरक्कन था, मोरक्को देश से था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर डी। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इब्न बतूता के बारे में पूछा था, किसी और में किसी और के बारे में पूछ लेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहां पर आपको लिस्ट दिख रही है, आपसे पूछ लेंगे मेगास्थनीस कहां से आया, कह दोगे ग्रीक से आया, आपसे पूछेंगे मेगास्थनीस कौन से राजा के समय आया था, आप कह दोगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सिमिलरली डिमेलकस ग्रीक है, ये किसके समय आया, ये बिंदुसार के समय आया। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट, ये बहुत एक इंडिस्पेंसिबल लिस्ट है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए, कि कौन कब आया, कौन से देश से वो बिलोंग करता था, क्या उसकी नेशनैलिटी थी और कौन से राजा के समय वो आया। फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को से आए हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये कौन से तुगलक राजा के समय आए, तो आप क्या कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए। या क्वेश्चन और दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता था कि इब्न बतूता कौन सी डायनेस्टी के समय आया, कि भाई तुगलकों के समय आया, खिलजियों के समय आया, मुगलों के समय आया, तो आप क्या कहोगे तुगलकों के समय में हिंदुस्तान आया। तो मल्टी वेरिएशन हो सकती है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन करने का यही फायदा है कि हम ये मल्टी वेरिएशन को सॉल्व कर सके। चलिए ये और कुछ सारे जो है आपके जितने भी लोग आए इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द पर्शियन अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर द वेस्टर्न प्रोविंस। अब ये जो सवाल है कि भैया अशोका ने, ऐसा पर्शिया का कौन व्यक्ति था जिसको वेस्टर्न प्रोविंस को गवर्न करने के लिए अपॉइंट किया, काफी मुश्किल सवाल है ये, इजीली ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा ना आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो किसको अपॉइंट किया था, तुसप्पा को, जस्टाइन को, प्लूटार्क को या सुनास पेहा को। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तुसप्पा।
क्यूसप्पा एक यवन यानी कि ग्रीक किंग था। अब देखो यवन किसको बोला जाता है, यवन किसको बोला जाता था, जो बेसिकली जो आउट ऑफ इंडिया लोग आए थे उनको यवन बोला जाता था, ठीक है ना। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यवन किस चीज को डिनोट करता था। इट बेसिकली डिनोटेड द आउटसाइडर्स, एंड फ्यूचर में जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हिस्ट्री में तो यवन वॉज इक्विवेलेंट टू मुस्लिम्स। ओके, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई यवन जो टर्म है वो क्या डिनोट करती थी, तो आप कह दोगे यवन टर्म डिनोटेड द आउटसाइडर्स हु केम टू इंडिया। तो तुसप्पा एक यवन राजा था, ग्रीक का राजा था, ठीक है। और अशोका ने इसको वेस्टर्न एरिया जो गिरनार जूनागढ़ और गुजरात वाला रीजन था वहां का इसको गवर्नर बनाया। और इस तुसप्पा के बारे में हमें एक रॉक इंस्क्रिप्शन से, जो रुद्रदमन वन की जो रॉक इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, वहां से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। उसमें जो है रुद्रदमन साहब मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो तुसप्पा व्यक्ति था इसने एक डैम कंस्ट्रक्ट करने में वहां पे लोकल लोगों की हेल्प जो है वो की थी। ओके बच्चों, चलिए ऑलराइट, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड दिस पर्टिकुलर इज फ्रॉम वेदास। नाउ आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन बुद्धिज्म एंड द थर्ड टॉपिक दैट वी सॉ फ्रॉम विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड वाज योर ट्रैवलर्स। बेसिकली द ट्रैवलर क्वेश्चन वाज ऑफ मिडिवल इंडिया, ओके, बट इट हैज बीन इंक्लूडेड ओवर हियर बिकॉज मेनी ट्रैवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया आल्सो, एंशिएंट पीरियड आल्सो, लाइक मेगास्थनीस जो है वो किसके समय में आया, अशोका के समय में आया। तो ट्रैवलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रैवलर्स आपके लिए एंशिएंट इंडिया में भी इंपॉर्टेंट है और मिडिवल इंडिया के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चौथा टॉपिक आ गया आपका वैदिक एज एंशिएंट इंडिया का, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदास से रिलेटेड सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो द स्टोरी ऑफ विदेह माधव इज नरेटेड इन, किसमें नरेट किया गया है इसको, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, चंदेयोग उपनिषद में या समा वेदा में, बताइए। अब इस क्वेश्चन का असली आंसर ये चारों ऑप्शन नहीं है, ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, लेकिन इसका आंसर फिर भी हम सही देंगे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूछो कैसे, क्योंकि ये जो चीज है ना स्टोरी ऑफ विदेह माधव, ये मेंशन्ड है सतापता ब्राह्मणा में, और ब्राह्मणा जो है अथर्ववेद, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणा अथर्ववेद का एक्सटेंशन है, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। काफी बच्चों ने इसको एग्जाम से निकलने के बाद ये बोला था कि इस क्वेश्चन का तो आंसर जो है गलत होएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अथर्ववेद, क्योंकि एक्सटेंशन है ब्राह्मणास, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो यहां पर हमारा ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। ऑलराइट, तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से हमने देखा 2018 के हिसाब से जो हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकल कर के आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बुद्धिज्म जैनिज्म से हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेवलर से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया, और वैदिक एज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या वैसे भी पीसीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर 9041244689, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं shikshit@gmail.com पर, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप अपनी क्वेरीज यहां से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, ओके। तो ये बच्चों हमारा पंजाब सिविल सर्विसेज का फास्ट ट्रैक कोर्स है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये एक पेड कोर्स रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाकर के। इसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पीसीएस की प्रिपरेशन कराएंगे, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्लासेस इसमें जल्दी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लासेस रहेंगी, टू बी यू नो क्लियर, तो आप इसको एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। और अब जाने से पहले एक बार आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद। प्रिपरेशन करते रहिएगा और रिविजन करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।